एकेडमिक बीट्स के साथ मौजूद हूँ डॉक्टर प्रोफेसर नवीद शिबली साहब के साथ, जो कि शोबा माहिर नफ्सियात के माहिर हैं। इनसे जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते हुए दुनिया में मौशी हालात के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन पर क्या असर है और ये तलबात और टीचर्स के लिए कैसे मुफीद है और कैसे इसके नुकसान आते हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया बेटे कि आप तशरीफ़ लाए और एक अहम मौजू पर मुझे इजहार ख़्याल करने का मौका मिला। दरअसल से पूरी दुनिया इस वक्त COVID-19 की लपेट में है और ये एक बहुत संजीदा सूरत हाल है, जिसके नतीजे में बहुत से मसाइल जो दुनिया में रहने वाले लोग हैं उनको देखने का मौका मिला और उनसे गुज़रने का मौका मिला। बुनियादी तौर पे ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने जिस अंदाज़ में तालीम के शोबे में, जो आपका बुनियादी सवाल है, इस मसले को हल करने की कोशिश की है या इससे निपटने की कोशिश की है, वो पहले तो मैं ये कहूँगा कि काबिल तहसीन है, बहुत अच्छी है, क्योंकि दुनिया के दीगर ममालिक से अगर हम मुकाबला करें तो पाकिस्तान में हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी कम हैं, हमारे पास नज़रियाती तौर से भी हम इतने मज़बूत नहीं हैं और रिलीजियसली भी हम इतने मज़बूत नहीं हैं जितने में होना चाहिए। इस सारी सूरत हाल में जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों ने, तुलबा ने, असातिज़ा ने, हमारी जामियात ने जिस तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश की है, वो मिसाली तो नहीं कह सकते हम, लेकिन वो ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि वो किसी हद तक ऐसा है जिस पे हम जिसको कह सकें कि हम अगर पूरे तरीके से उसमें कामयाब नहीं हो सके तो यूँ आप समझ लें कि उसमें किसी हद तक हमें कामयाबी ज़रूर मिल गई। अब देखिए, पाकिस्तान के पास ज़्यादा तजर्बात नहीं थे, डिस्टेंस एजुकेशन के ज़्यादा तजर्बात नहीं थे, जैसे कि वेस्टर्न दुनिया में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और हिंदुस्तान में तो अभी एक यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है जो जाली डिग्रियाँ बहुत अरसे से कारोबार में मुलव्वस थी, तो ज़ाहिर है वो इसी किस्म का होगा कुछ, तो गालबन ये वहाँ उनके कलकत्ता में थी शायद, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं। तो पाकिस्तान में सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटियाँ, जामियात ऐसी थीं जो कि डिस्टेंस एजुकेशन का काम करती थीं। जब ये हमारे यहाँ ये मसाइल आ गए, उनमें पहली तो जिद थी, उसको कहते हैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वो एक एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट का, एक कह लीजिए गवर्नमेंट की जामिया है, और दूसरी थी उसको हम कहते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था हमारे पास, अचानक ये वबा आ गई और इसके मसाइल पैदा हो गए और हमें इससे निपटना था, इसका सामना करना था। चुनाचे जिसको आप कहिए एमरजेंसी के तौर से हमने कुछ स्टेप्स उठाए और देखा गया कि कैसे इसको हल करें। उस सिलसिले में मुझे और यूनिवर्सिटीज़ का तो मालूम नहीं ज़्यादा, बस तो बिल्कुल बंद हो गई थी शुरू में, लेकिन ये रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, क्रेडिट जाता है प्रोफेसर डॉक्टर नीस अहमद साहब को जो हमारे वाइस चांसलर हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर मुदस्सर अहमद साहब को जो हमारे यहाँ इस कैंपस को लुक आफ्टर करते हैं, और हमारे एक दोस्त थे प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्ला साहब मरहूम, खुदा उनको गरी के रहमत करे, उनको उस वक्त यहाँ डायरेक्टर कैंपस थे। तो ये है कि इन सब दोस्तों ने मिलकर कोशिश की
कि किस तरीके से इस सिचुएशन से हम निकल सकते हैं। चुनाचे बहुत शॉर्ट नोटिस पे क्लासेस के शेड्यूल तरतीब दिए गए, फिर मॉड्यूल ढूंढे गए कि कैसे पढ़ाना कैसे है, फिर ये देखा गया कि स्टूडेंट्स के पास क्या क्या अवेलेबल हैं मोड्स एंड मीडियम्स जिनसे उनको आप बता सकेंगे कि कैसे आप यानी इस तालीम से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो हंगामी बुनियादों पे ये सब हमने किया, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमें इसमें 60-70% तक कामयाबी हासिल हो गई। हम ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामयाबी हासिल की, 60-70% तक हमारी डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक हो गई, हमारे तुलबा ने भी अपने इत्मीनान का इज़हार किया, हमारे असातज़ा ने भी बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद ये कहा कि वो 60-70% तक जो वो चाहते थे कन्वे करना अपने स्टूडेंट्स को एक एजुकेशन के कंटेंट के तौर से वो कर पाए। अच्छा, स्टूडेंट्स ने भी तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 80-90% तक स्टूडेंट्स तो टीचर्स को खुश करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा मसलूम मखलूक होती एजुकेशन में, वो खुश करना चाहते हैं। और फिर ख़ास तौर से ऐसे सिस्टम में जहाँ पे आप ये देखें कि उनके पास कोई डायरेक्ट असेस नहीं है, बहुत से और मैटर्स हैं, तो उन्होंने भी अब उन्होंने 80-90% तक हमें ये बताया कि हम मुतमईन हैं और हमने हासिल किया। जी सर, तो जैसे कि आपका शोबा जो है वो माहिर नफ्सियात है और इसमें प्रैक्टिकल वर्क की बहुत अहमियत है, तो जो स्टूडेंट्स हैं तलबात हैं उनको आप प्रैक्टिकल वर्क किस तरह कर रहे हैं फरहाम कि वो प्रैक्टिकल वर्क यहाँ पर आकर कर सकें यूनिवर्सिटी वगैरह में? जी, बहुत अहम सवाल है और मुझे बहुत खुशी हुई आपने ये सवाल पूछा। अब आप ये देखिए कि ये आप सारी हमारी जहाँ मैं बैठा हूँ, मैं तो दफ्तर की बजाय यहाँ प्रेफर करता हूँ बैठना, ये पाकिस्तान की जो टॉप मोस्ट साइकोलॉजिकल लैब्स हैं, वेल इक्विप्ड और वेल एस्टेब्लिश्ड, उनमें से ये एक है। तो ये बड़ी मेहनत से मैंने बनाई। दुनिया में तो जब लैब बनती है तो उसका तो बहुत शोर मचता है प्रेस में, लेकिन हमारे यहाँ कुछ तालीमी रवैये इस किस्म के हैं। तो उस सिलसिले में हम जिस हद तक मुमकिन था उसमें हमने कोशिश की है कि तुलबा का जो प्रैक्टिकल नॉलेज उनको चाहिए वो किसी तरीके से मजरू ना हो। हत्ता कि जब पीक थी कोविड की तो उसमें भी हम पर्सनली ज़ाती तौर से अपने हस्पताल में भी और दीगर हस्पतालों में भी खसूसी इजाज़त लेके, क्योंकि ये मेडिकल का फील्ड है बेटा, हम तो ज़्यादा जो क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ाते हैं वो तो टोटल लाइफ साइंस है। तो उसमें मैंने कोशिश की है बहुत हद तक कि तुलबा जो हैं उनको मैक्सिमम जो एक्सपोजर है प्रैक्टिकल वो मिल सके। और हॉस्पिटल तो ऑन रहे कोविड में, इसलिए ये है कि फॉर्चुनेटली हम उसको जो डेफिशिएंसी ज़्यादा नहीं, लेकिन जो प्रैक्टिकल्स थे वो हमारे जो स्टूडेंट हैं बीएस के उसमें उनको दिक्कत पेश आई। लेकिन उसके लिए भी हमने कुछ अपने तौर से, अगर कोई हमसे इस्तेफादा करना चाहे, पूछना चाहे, कोई और यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड हो तो हम हेल्प कर सकते हैं, हमने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स एवॉल्व की जिसके ज़रिए से मैंने बाद में तुलबा से इंटरव्यू भी किए, गुफ्तगू भी की। मुझे लगता है कि उनको भी जो वो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स जो उनको नफसियाती तजर्बात के बारे में हासिल होना चाहिए थी वो खासी हद तक उन्होंने उससे भी इस्तेफादा की और समझ गए। सर, स्टूडेंट्स के लिए कोई पैगाम कि वो अपनी तालीम को किस तरह जारी रखें और क्या करें? देखो बेटे, हमारे मुल्क में ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है,
कुछ मिक्स से भी आ गए, अब वो अल्लाह ताला हमें उनसे अपनी हिफाजत में रखे, तो मेजॉरिटी मुस्लिम है यहाँ पे। तो मुसलमानों को अल्लाह ताला का ग़ुलाम होना चाहिए और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रहना चाहिए। तो आप जो थे जब शेब अबी तालिब में थे, तो फिर ग़ज़वा खंदक में थे, तो आपने जो हमें सबक पढ़ाया समझाया वो यही था कि मुसलमान जो है वो अल्लाह पे भरोसा रखता है और मुश्किल तरीन हालात भी हो जाएं तो अल्लाह के भरोसे पे उनके साथ मुकाबला करके कामयाब होता है। तो पाकिस्तान के तलबा, ख़ास तौर से रिफा के तलबा, बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे और नफ्सियात के शोबे के तलबा सबको मैं, सब शागिर्द हैं, बेटे बेटे बेटियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और वो इसका मुकाबला कर सकते हैं और वो करके बताएंगे और कामयाब होकर बताएंगे।